नहीं पड़ेगी। हमने पढ़ा था डेरिवेटिव का एप्लीकेशंस इन चैप्टर नंबर 8 प्लस 2 के अंदर, जिसमें आपने मैक्सिमा और मिनिमा के बारे पढ़ा था। तो उसमें आपने तीन टेस्ट पढ़े थे मेन, मैं वो तीनों टेस्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वापस से। एक तो आपने पढ़ा था सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, सिंगल डेरिवेटिव वाला, सिंगल डी से लिख दिया। एक आपने पढ़ा था इसके अंदर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, नेबरहुड मेथड भी बोलते हैं जिसे, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ठीक है, लोकल ही मैक्सिमा आपका और लोकल ही मिनिमा। एक आपने पढ़ा था डबल डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था, डबल डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, DDT। ये तीन आपने टेस्ट पढ़े थे, सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट, लोकल मैक्सिमा मिनिमा टेस्ट या डबल डेरिवेटिव टेस्ट, ये पढ़े थे। आप क्या करते थे, जो आपको एफ ऑफ एक्स दिया होता था ना, आप उस एफ ऑफ एक्स का निकालते थे डेरिवेटिव और उसे इक्वल्स टू रख लेते थे जीरो, और वहां से सोल्व करते थे एक्स के लिए, और सोल्व एक्स के लिए जब करते थे सोल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए जब सोल्व करते थे तो जो भी एक्स की वैल्यू आती थी ए बी सी, मान लीजिए एक्स ए या बी आया, तो एक्स इज इक्वल्स टू ए आपका बोला जाता था, क्रिटिकल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्रिटिकल पॉइंट जहां पे कर्व जो है ना मुड़ेगी, टर्निंग पॉइंट भी बोलते थे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा भी यही होता था। अब इस पॉइंट पे या तो वो वैल्यू मैक्सिमम है या वो पॉइंट पॉइंट पे वैल्यू जो थी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा। फिर हमें कैसे पता लगे कि ये पॉइंट मैक्सिमा का है या मिनिमा का है, इसके लिए हम उस फंक्शन का क्या करते थे, डबल डेरिवेटिव करते थे। और फंक्शन का डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाता था तो ये पॉइंट होता था आपका मिनिमा का, उल्टा होता था ना, और अगर इस पॉइंट पे एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो आ जाती थी तो ये पॉइंट होता था आपका मैक्सिमा का। ये किसका पॉइंट होता था, मैक्सिमा का पॉइंट होता था, ठीक है। तो या तो पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ये होता था। तो मिनिमा का पॉइंट क्या होगा, अगर डबल, ये डबल डेरिवेटिव टेस्ट मैंने बेसिकली आपको याद करवाया है। सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट की अगर बात करें तो ये तीन चार टेस्ट हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हमें जरूरत पड़ेगी। तो सिंगल डेरिवेटिव को समझने से पहले मैं एक आपके पास कार्टेशियन सिस्टम बना देता हूं, और ये मान लीजिए आपकी वाई थी और ये मान लीजिए आप एक्स एक्सिस है, और फंक्शन का ग्राफ मान लेते हैं हम कुछ ऐसा है, ये फंक्शन का ग्राफ है। तो आप अगर यहां पे फोकस करते हैं, यहां पे देखिए ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यहां तक इंक्रीज किया उसने, और इसके बाद में फिर वो क्या करना शुरू हो गया, डिक्रीज करना शुरू हो गया। तो यहां पे फंक्शन इंक्रीज किया, यहां पे तो आपका फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज, इंक्रीज करने के बाद यहां पे क्या कर रहे हैं, डिक्रीज। मान लीजिए आप कोई बॉल फेंकते हैं, अगर आप वो बॉल फेंकते हैं, कोई बॉल है तो वो पहले ऊपर गई बढ़ रही है, फिर वो कहीं कोई पॉइंट आएगा जहां पे वो रेस्ट करेगी, यहां पे वो रुकेगी ना, ऊपर जाती जाती तो साथ साथ नीचे नहीं आ सकती, तो ऊपर जाती जाती कहीं उसको रुकेगी, फिर वो क्या करेगी, शुरू करेगी नीचे गिरना, ठीक है। या अगर कोई चीज नीचे जा रही है तो वो नीचे स्ट्रक करेगी, फिर वो बाउंस बैक करेगी, जहां पे स्ट्रक करेगी वहां पे एक बार रेस्ट करेगी, सेम नीचे के लिए होता है। तो ये जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, सीपी बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये वो पॉइंट होता है जहां पे आपका फंक्शन या तो मैक्सिमा वैल्यू देता होता है या आपका फंक्शन कैसा वैल्यू देता है, मिनिमम वैल्यू देता है। यहाँ पे वो कैसी दे रहे, देखो इनक्रीज कर रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर वो रुका, फिर डिक्रीज किया, तो जहां पे रुका वो वहां पे मैक्सिममली पहुंच सकता था, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, तो इनक्रीज करते करते रुके सी पॉइंट पे और फिर क्या करे, डिक्रीज करे, तो ये जो सी पॉइंट होगा आपका वो मैक्सिमा का पॉइंट होगा। वो किसका पॉइंट हो गया, सी पॉइंट आपका,
सी पॉइंट आपका मैक्सिमा होगा। तो मैंने मान लिया ये पॉइंट सी है, परपेंडिकुलरली मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया ये, तो ये मेरा है एक्स इज इक्वल्स टू सी पॉइंट, ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू सी है। तो ये जो सी पॉइंट है ना, ये आपका पॉइंट ऑफ यहाँ पे क्या है, मैक्सिमा, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब जरा हम यहाँ फोकस करते हैं दूसरी जगह पे, यहाँ पे वो देखिए, यहाँ पे वो गिरना शुरू हुआ, यहाँ रुका, इसके बाद में फिर वो बढ़ना शुरू हुआ। तो हम फोकस करते हैं इस पॉइंट पे जहाँ पे वो रुका, ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, यानी ये वाली कंडीशन है, यानी कि वो ये वाली कंडीशन है, पहले वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फिर वो रुका और फिर वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यानी इसको ऐसे समझिए कि पहले फंक्शन का ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, फिर किसी सी पॉइंट पे रुका और फिर वो क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो डिक्रीज, गिरता गिरता उठेगा, तो यानी वो मिनिमम पे जाके उठना शुरू होगा, ये बात है। तो डिक्रीज करते करते सी पे अगर रुक रहा है, तो यहाँ पे जो सी पॉइंट है वो सी पॉइंट किसका होगा, आपका मिनिमा का होगा। सी पॉइंट आपका किसका होगा, मिनिमा का। इन्हें अगर मैं इसको इस तरह से मिला दूं, तो ये आपके पास यहाँ पे कहाँ तक आ गई, x इज इक्वल टू सी तक, इसको सी डैश मान लेते हैं, लीजिए तो x इज इक्वल टू सी डैश पॉइंट है ये मैंने मान लिया, और ये पॉइंट मेरा किसका है, ये पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मिनिमा। पर अब हमें पता कैसे लगेगा कि ये क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे है, जहां पे भी रुकेगा वहां पे वो ना तो इंक्रीज करेगा ना वो डिक्रीज करेगा। जहां पे भी फंक्शन रुकेगा वहां पे ना तो वो इंक्रीज करेगा ना ही वो डिक्रीज करेगा, वहां पे वो रेस्ट करेगा। जहां पे भी रेस्ट करेगा वहां पे उसका डेरिवेटिव जीरो रहेगा, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट हो गया, वहां जाके चल ही नहीं रहा, वेरी नहीं कर रहा। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका एक ही है, ये देखो कि फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, यानी एफ डैश एक्स कहाँ जीरो है, उसको पता करने के लिए आप फंक्शन का डेरिवेटिव कीजिए और उसे किसके इक्वल पुट कर दीजिए, जीरो के। वहां से आपको पता लग जाएगा फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू कहाँ कहाँ पे जीरो है। जैसे दो पॉइंट मिल गए, एक तो आपको मिला मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू सी डैश और एक मिला आपको सी, पर यह नहीं पता कि इनमें से कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि सी डैश की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3। अब हमें यह नहीं पता कि 2 पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे रहा है या मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, सिमिलरली हमें 3 का भी नहीं पता कि 3 पे जो फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू दे रहा है या आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो उस केस में करेंगे कैसे जी, तो ये तो पक्का पता है ना, 2 के ऊपर फंक्शन रेस्ट कर रहा है क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है, यानी 2 के ऊपर तो फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है। अब मैंने कहा यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है, तो हो सकता है इधर पॉजिटिव हो और इधर नेगेटिव हो, क्योंकि जीरो तो यहाँ है, जीरो देखो नंबर लाइन पे जीरो अगर यहाँ है तो एक साइड नेगेटिव होता है एक साइड पॉजिटिव होता है, पर ग्राफ में थोड़ा सा उल्टा समझना पड़ता है। अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसका डेरिवेटिव वो पॉजिटिव रहेगा, और अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसका सिंगल डेरिवेटिव नेगेटिव रहेगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 है, तो हमें पता लग गया 2 क्रिटिकल पॉइंट है, 2 आपका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम ये पता करना चाहते हैं कि ये जो 2 है वो मैक्सिमा का है या वो मिनिमा का है। अब हम ये कैसे पता करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके 2 अड़ोसी पड़ोसी उठाएंगे, ठीक है। कौन कौन से 2 अड़ोसी पड़ोसी उठा लेते हैं, वो मैंने मान लिया कि हम उठा रहे हैं, एक तो उठा रहे हैं 1.9 और एक हम उठा रहे हैं 2.1। एक तो हम उठा रहे हैं 1.9 और एक हम उठा रहे हैं 2.1। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला होगा हमने एफ डैश एक्स, उसमें एक बार 1.9 पुट करके देखेंगे। अब देख लेंगे कि फंक्शन के सिंगल डेरिवेटिव की 1.9 पे वैल्यू क्या है, जैसे मान लीजिए वैल्यू आ गई नेगेटिव, और फिर हम देखेंगे फंक्शन के
डेरिवेटिव की 2.1 पे वैल्यू किया, तो ऑब्वियस बात है एक पॉजिटिव मिलेगी। क्यों? क्योंकि 2 पे तो 0 मिल रही है, तो अगर उसके कम पे नेगेटिव है तो यहाँ पे वो 0 हुई, फिर आगे कैसी होगी, आगे वो पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब नेगेटिव था तो यानी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और अगर फंक्शन के सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है फिर वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यानी पहले वो डिक्रीज कर रहा है फिर वो इंक्रीज कर रहा है, सिंगल डेरिवेटिव से पता लग गया। तो पहले वो डिक्रीज कर रहा है फिर वो इंक्रीज कर रहा है, तो वो जो पॉइंट होगा वो किसका होगा, मिनिमा का, यानी हमारा 2 पॉइंट किसका होगा, मिनिमा का होगा। सेम हम 3 के लिए करके देखेंगे, फंक्शन के सिंगल डेरिवेटिव में 2.9 पुट करके देखेंगे, और फिर हम क्या पुट करके देखेंगे, 3.1 पुट करके देखेंगे। तो 2.9 पे मान लेते हैं पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, सिंगल डेरिवेटिव का पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और 3.1 पे आया नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या कर रहा है, डिक्रीज, तो पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब जो 3 पॉइंट है वो कैसा पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है। ऐसे कम समझ आ रहा है, इसके लिए हम क्या करते हैं एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं सारा रफ कर रहा हूँ ताकि एग्जाम्पल कर सके। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स आपका है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और वही है कि इसकी मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू बताइए कहाँ आएगी और कितनी आएगी। तो हम क्या करते हैं, पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। तो फोर सी पी क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को किसके इक्वल पुट कर लेंगे, 0 के। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, 3x² प्लस में, और इसका एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू किसके रखना है, 0 के। तो x कॉमन आ रहा है तो x मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचा 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू कितना, 0। अब दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब या तो पहली 0 है या आपकी दूसरी 0 है। अगर पहली 0 है तो इसका मतलब x कितना है, 0, और अगर दूसरी 0 है तो इसका मतलब x कितना है, -2/3, ठीक है। पर अब ये नहीं पता कि कौन सा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, अभी मैक्सिमा का कौन सा है, मिनिमा कौन सा है। तो मैं एक मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, एक आप खुद कर लेना। तो जैसे मैं 0 वाला करके दिखा रहा हूँ, तो मान लीजिए कि क्रिटिकल पॉइंट 0 हो गया, तो फंक्शन का जो सिंगल डेरिवेटिव आया एफ डैश एक्स वो कितना आया था, वो आपके पास आया था एक्स इंटू में 3x+2, यही बने थे ना फैक्टर, एक्स इंटू 3x+2। ये देखो ये था ना सिंगल डेरिवेटिव, इसको आगे हमने ये लिख लिया था एक्स इंटू 3x+2। तो पहले हम सिंगल डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट से थोड़ा सा कम वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो थोड़ा सा कम यहाँ 0, 0 से थोड़ी सी कम नेगेटिव में कुछ पुट करनी पड़ेगी। तो नेगेटिव में मैं माइनस के, देखो यहाँ तो 1 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ माइनस के 0.2, माइनस के 0.2। तो अगर मैं 0.2 पुट करता हूं तो x की जगह भी कितना पुट करूं, माइनस के 0.2 इंटू में 3x की जगह भी कितना पुट करूं, माइनस के 0.2 माइनस के, और प्लस में क्या है, 2 है। इसको अच्छे से सोल्व कर लेते हैं, तो ये पड़ा रहेगा माइनस के 2/10, कर लेते हैं इसको माइनस के 2/10, और इसको कर लेते हैं हम 3 - 0.2, ये हो जाएगा 3 × 2 माइनस के 6/10 प्लस में 2, ठीक है। पीछे वाले को एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के 2/10, और एलसीएम आएगा ये हो जाएगा प्लस के 14/10, ठीक है। आप सोल्व करके देख लेना, अब ये पॉजिटिव नंबर है ये नेगेटिव है, पर पॉजिटिव को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कैसा आया, नेगेटिव। यानी कि 0 तो क्रिटिकल पॉइंट है, 0 पे तो फंक्शन रेस्ट कर रहा है, लेकिन 0 से लेफ्ट साइड में ये 0 है, यहाँ पे 0 है तो फंक्शन यहाँ पे तो रेस्ट कर रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड में वो डिक्रीज कर रहा है क्योंकि नेगेटिव है ना सिंगल डेरिवेटिव, तो उसके 0 के लेफ्ट साइड में वैसे कर रहा है। अब राइट साइड में और चेक करते हैं कि राइट साइड में कोई डिक्रीज आगे ना करता हो, कोई सीधा ही करता हो, तो हम 0 से बड़ा पुट करके देखते हैं सिंगल डेरिवेटिव में। तो अगर 0 से बड़ा पुट करें तो मान लेते हैं हम 0.2 पॉजिटिव का पुट कर लेते हैं,
तो ये बनेगा 0.2, और 3 इंटू में 0.2 प्लस 2। अब जरा सोचिए, ये भी पॉजिटिव, ये दोनों की मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव, प्लस में भी पॉजिटिव, तो टोटल रिजल्ट कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो यानी जीरो के राइट साइड में फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो यानी ये जो क्रिटिकल पॉइंट है किसका है? इट इज ऑफ मिनिमा। अगर ये मिनिमा का है तो यहाँ पे फंक्शन क्या करेगा? कम से कम उत्तर देगा। तो कम से कम क्या उत्तर देगा? एक्स को जीरो रखने पे उत्तर देगा। तो एक्स को जीरो रख देते हैं फंक्शन में, तो यहाँ पे x³ 0 + 0, तो फंक्शन की कम से कम वैल्यू क्या आ सकती है? जीरो। सिमिलरली अब हम 2/3 को भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप 2/3 पे चेक कीजिए, -2/3 पे, उससे कम पुट, उससे ज्यादा पुट। तो हो गया ये नेक्स्ट, -2/3 से कम। इसको पहले पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लो, अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो। आप इसे लिख सकते हो -k² / 3 को लिख पाओगे -k 0.66। तो ये आपका रेस्ट पॉइंट रहेगा, -k 0.66। इससे कम पुट करके देखना है तो -k 0.8 पुट कर लो, और इससे ज्यादा पुट करके देखना है तो -k 0.5 पुट कर लो। इस तरह से आप करके और चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये तो रेस्ट पॉइंट है ना, तो इसके लेफ्ट में ये रहा और इसके राइट में ये रहा। इस तरह से आप चेक करके पुट कर सकते हो। आपका बेसिकली जो काम रहेगा वो आप लोगों ने प्लस 2 की बुक में से 8.3 या 8.4 है, मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं सिंगल वेरिएबल के। कल हमारी अप्रोच डबल वेरिएबल की रहेगी, लेकिन उसके लिए भी हमें सिंगल वेरिएबल की मैक्सिमा और मिनिमा की पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इसलिए मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है, आप फिर भी 8.3 और 8.4 ट्राई कर लेना। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो हैंड रेस कर सकता है।